हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ट्राई न्यू एवरीडे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको लिट्टी बनाना बता रही हूँ, जो बिहार का फेमस डिश है। इसे कैसे बनाते हैं अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं आपको लिट्टी की स्टफिंग बनाना बता रही हूँ। उसके लिए हमें सामग्री की ज़रूरत होगी। सबसे पहले सत्तू मैंने 250 ग्राम लिया है, हरी मिर्च 6 से 7 लिया है, अदरक बारीक कटे हुए बड़े चम्मच लिया है, लहसुन 2 बड़े चम्मच ली हूँ, अजवाइन 1 टीस्पून, कलौंजी 1 टीस्पून, 1 बड़े चम्मच मैंने काली मिर्च लिया है, साबुत काली मिर्च। इसके लिए हमें चाहिए तेल, नमक स्वाद अनुसार, आम का अचार और पानी। आम का अचार हमें 1 बड़े स्पून चाहिए। इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले सारी सामग्री को इस सत्तू में मिलाना है, तेल, नमक, ये हरी मिर्च वगैरह सब। फिर मिलाकर इसमें हल्का पानी से हम इस को बनाएंगे। मैंने अब सारी सामग्री को इसमें मिला दिया है। अब इसे अच्छे हाथों से मैश हो चुका है। इसमें सारी सामग्री मिल गई है। हम थोड़ा थोड़ा कर पानी मिलाएंगे और फिर इस डो को सॉरी डो को नहीं स्टफिंग को हम तैयार करेंगे। अब हमारी लिट्टी की स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। बिहार में इस स्टफिंग को मुखनी कहा जाता है। तो अब मैं आपको लिट्टी का डो बनाकर दिखा रही हूँ। मैंने लिट्टी का डो बनाकर तैयार कर लिया है। इसे बनाने के लिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप जैसे नॉर्मल आटा को सानते हैं वैसे ही इसे भी सानना है, लेकिन इसे कड़ा रखना है। जैसे आप 1 गिलास डालते हैं पानी, तो उसकी जगह आधा गिलास डालकर डो को तैयार करें। देखिए मेरा डो सख्त है। अब मैं इसमें स्टफिंग डालकर बता रही हूँ। पहले हम इसे गोल बनाएंगे। इस तरह से फिर इसमें स्टफिंग डालेंगे। आपको जितना डालना है स्टफिंग उतना डाल सकते हैं। ऐसे 1 चम्मच इसके लिए काफी होता है। इसी तरह से हम सारे आटे को डो बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब मैं आपको लिट्टी सेककर बताऊंगी। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए लकड़ी को मैंने जला कर रख दिया है। अभी हमें लकड़ी पे लिट्टी को नहीं रखना है। सबसे पहले ये इसकी आग जब नॉर्मल हो जाए, लकड़ी अच्छे से जल जाए, उस पर हम इसे सेकेंगे। अब मैं आपको लिट्टी सेककर बता रही हूँ। अब हमारी लिट्टी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम कपड़े की सहायता से इस लिट्टी को साफ करेंगे। इस तरह से हम कपड़े में लेकर लिट्टी को साफ कर रहे हैं। देखिए, अब हमारी लिट्टी साफ हो चुकी है। इसी तरह से सारी लिट्टी को हम साफ करेंगे। फ्रेंड्स,
अब मैंने सारी लिट्टी को चाल लिया हूँ, चाल ली हूँ। अब इसमें मैं घी लगाऊंगी। इस तरह से आप घी लगाएं। घी लगाने से लिट्टी का टेस्ट और बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, अब हमारी लिट्टी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे आप टमाटर की चटनी के साथ, बैंगन के चोखे के साथ सर्व करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट के ज़रिए लिखें। ये वीडियो आप खुद देखें और दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके लिट्टी कैसे बनाई जाती है।